खिलाड़ियों को यूज किया है और यूज करके उनको बहका के उनसे ये चीजें करवाई गई। अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती, चाहे मैं मुझे उन खिलाड़ियों के पैर पकड़ने पड़ते, लेकिन मैं कभी नहीं होने देती। जो भी आगे कुछ फैसला आएगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा और किसी से कोई भी चीज छुपी नहीं होगी। इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं उसके ऊपर भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखी हुई है और हर चीज को बहुत बारीकी से वो देख भी रही है और संभाल भी रही है। यही मैं कहना चाहूंगी कि सब खिलाड़ियों ने मिलकर फैसला लिया था और साक्षी का नाम कमेटी के अंदर देने का उन्होंने फैसला लिया था, लेकिन साक्षी ने खुद क्योंकि आगे आके ये कहा कि ये चीज मैं नहीं संभाल पाऊंगी और ये जो फैसला है आप लोग अगर सहमत हो तो मैं चाहूंगी कि बबीता को आप कमेटी का सदस्य बनाया जाए। और सभी खिलाड़ियों ने यस भी किया और सब खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया कि बबीता का नाम देना चाहिए और सिर्फ मेरा नहीं और भी दो तीन लोगों का दिया था उन्होंने और विश्वास करके उन्होंने दिया था। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों ने जो भरोसा करके मुझे मेरा जो कमेटी में नाम दिया था मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न अन्याय होने दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि अन्याय होने भी नहीं दूंगी और वो विश्वास रखे सभी खिलाड़ी, लेकिन किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। चाहे एज ए खिलाड़ी आप भरोसा करिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी पे करिए, न्यायालय पे करिए, पुलिस पे करिए, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा और भरोसे के ऊपर ही पूरी दुनिया कायम है, इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जो भी आप देखेंगे कि जो भी आगे कुछ फैसला आएगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा और किसी से कोई भी चीज छुपी नहीं। मैं इस चीज को ये देखती हूँ कि जिस किसी ने भी ये सलाह दी है वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के हित की न तो उन्होंने बात की और न उन्होंने खिलाड़ियों के हित का सोचा। ये कहीं ना कहीं वो लोग खिलाड़ियों के में न हित में ना होकर उनके विपक्ष में और उनको एक तरह से उनका यूज किया गया है। अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती, चाहे मैं मुझे उन खिलाड़ियों के पैर पकड़ने पड़ते, लेकिन मैं कभी नहीं होने देती। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके, काश अगर ये मोमेंट ऐसा हो जाता तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। एक चीज मैं कहूंगी कि इतने सारे विपक्ष के लोग जो है धरने के ऊपर गए हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो लोग जब 28 तारीख को जब वो सब लोगों के साथ जब गिरफ्तार उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया तब वो विपक्ष कहाँ था? क्यों नहीं फिर उस टाइम पे वो लोग मतलब आगे आके उन लोगों को बहकावे में लाकर उनसे ये काम तो करवा दिया, लेकिन वो खुद साथ क्यों नहीं थे? अगर इतना ही अच्छा चाहते थे और इतना ही अगर खिलाड़ियों का भला चाहते थे तो कहाँ था वो विपक्ष? खिलाड़ियों को यूज किया है और यूज करके उनको बहका के उनसे ये चीजें करवाई गई है। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि 28 तारीख को ही क्यों चुना गया, 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? अगर और भी कोई डेट थी हम वहां पे भी बैठ के, लेकिन लोगों ने उनको उकसाया है, लोगों ने उनको बहकाया है और बहका के उनसे करवाया।